ड्राइविंग के लिए दो मजेदार फीचर्स जो इस गाड़ी में मिले जो मैंने आज तक कभी इस सेगमेंट में इसके आसपास के बहुत सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं देखे थे, वो एक फीचर है। तो पूरा पैसा वसूल है गाड़ी में अगर आप 25 लाख रुपीस या 24 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ Hyundai Alcazar का मेरा ड्राइव रिव्यू और कुछ इसके फीचर्स भी मैं बताऊंगा। गाड़ी लुक्स में काफी तरह अच्छी भी लगती है, क्रेटा के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है और इसमें आपको 215 mm के टायर्स के साथ में 18 इंच की रिम्स मिल जाती है। डिजाइन काफी अच्छी है अलॉय व्हील्स की। साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की काफी अच्छी है एंड काफी सारे चेंजेस में क्रेटा कंपैरिजन में किए गए, जैसे कि फ्रंट का ग्रिल एंड हेडलाइट का डिजाइन थोड़ा थोड़ा बदला गया है। गाड़ी का स्टांस भी काफी अच्छा लगता है जब आप पास से इसको देखते तो आपको रियलाइज होता है। और फीचर्स भी कुछ ज्यादा दिए हैं इसमें क्रेटा से, जैसे कि इसमें 360 कैमरा दिया है जिसका एक पार्ट ORV में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारे फीचर्स हम आगे और देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज एक क्रेटा और अल्काज़ार की डिलीवरी देख के मुझे रियलाइज हुआ कि गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। Alcazar की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मैं आया हूँ नागपुर के सबसे बड़ी Hyundai शोरूम में, जो कि है केतन Hyundai। और यहाँ पर मैंने एक इंटरैक्टिव स्क्रीन देखी जहाँ पर मुझे सारे के सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जा रहे हैं Alcazar के, या चाहूँ तो मैं कोई और भी गाड़ी देख सकता हूँ Hyundai की जिसमें एक्सटीरियर इंटीरियर सारे फीचर्स मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई लाइक दिस आइडिया वेरी मच, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम देखने मिलेंगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर सारे लाइन से लगे रहते हैं। तो तब तक अगर आप फीचर्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, गाड़ियों के अलग अलग कलर्स वगैरह देखना चाहते हो, तो दिस स्क्रीन अलाउज यू टू चेक आउट द कार बिफोर यू गेट अ टेस्ट ड्राइव। कुछ बेसिक टेक्निकलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए मैं हुड खोल करके इंजन बे चेकआउट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी टफ मालूम पड़ रही है एज सच, बट सेफ्टी रेटिंग वगैरह बाद में पता चलेंगे। इंजन बे इज क्लीन एंड वेरी फ्रेश बिकॉज दिस इज द शोरूम कंडीशन कार। ये 2000cc वाला इंजन है जो Tucson से लिया गया और थोड़ा सा इसको रिट्यून किया गया है। 4 सिलेंडर MPI इंजन है ये, और रिट्यून करने के बाद पावर फिगर थोड़े से बढ़ गए, टॉर्क थोड़ा सा कम है लेकिन BHP थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा एक 1.5 लीटर का CRDI इंजन भी सोर्स किया गया है जो क्रेटा में यूज होता है। आई थिंक डीजल वाला 2 लीटर इंजन Tucson से लिया होता तो शायद गाड़ी के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल रहता, बट एनीवेज डीजल वेरिएंट का भी टेस्ट ड्राइव लेकर मैं आगे आपको उसका फीडबैक दूंगा। दोनों ही इंजन ऑप्शंस में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसका माइलेज आपको ऑटोमेटिक पेट्रोल में 14 km/L एंड मैनुअल पेट्रोल में 15 km/L का मिल जाता है। ऑटोमेटिक डीजल में 18 km/L एंड मैनुअल डीजल में 20 km/L का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट भी करके आपको बताऊं या फिर इसके रियल ओनर से आपको मिलवाऊं। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन इंसुलेशन देखने को मुझे मिला जो हीट रेजिस्ट करके दिखा आपको इस इंजन से। फ्रंट ग्रिल की भी लुक्स एंड क्वालिटी काफी अच्छी है और यहाँ पर आपको 360 कैमरा सिस्टम का फ्रंट वाला पार्ट देखने को मिलेगा एंड इसका भी रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको आगे दूंगा। काफी ज्यादा फीचर लोडेड एंड गुड लुकिंग गाड़ी है ये। और इस गाड़ी में एक अनोखा फीचर मैंने जाना जब इसका मैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आया कि साइड स्टेप बोर्ड लगा करके मिलता है कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक वेरिएंट में, चाहे आप डीजल वाली ऑटोमेटिक लें या पेट्रोल वाली, और वो गाड़ी के डिजाइन से बहुत मैच मिल करता है और ये फैक्ट्री फिटेड है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बट यू कैन गेट इट ओनली इफ यू आर बाइंग एन ऑटोमेटिक वेरिएंट। अगर आप मैनुअल वेरिएंट खरीदते हैं और आप कंपनी से अलग से लगवाना चाहते हैं तो आपको अलग डिजाइन का मिलेगा और इतना मैच भी नहीं करेगा। गाड़ी के ड्राइवर ड्रोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, फ्रंट पैसेंजर के ड्रोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते हैं। बट एनीवेज यहाँ का इंटीरियर मैंने चेकआउट किया एंड 10 ब्राउन कलर का जो इंटीरियर दिया हुआ है गाड़ी में ब्लैक कलर के साथ में, कि 2-tone इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। आई एम एक्चुअली इंजॉइंग टेकिंग अ व्यू इनसाइड द कैबिन एंड डैशबोर्ड एंड सेंटर कंसोल भी काफी बढ़िया से बनाया गया है। तो पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह एंड लेदर सीट्स की जो फिनिशिंग है एंड ओवरऑल जो लुक्स है ना गाड़ी में काफी ज्यादा प्रीमियमनेस ऐड कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ लग्जरी कार की फील इसमें आ रही है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश ऑल्सो लुक्स ग्रेट और ओनर को इस गाड़ी में प्रीमियमनेस की कमी नहीं मिलेगी, वैल्यू फॉर मनी की फुल फील आती रहेगी एंड आई टोटली फील की जो सनरूफ है ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है इस गाड़ी के अंदर। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ तो तीनों ही रोज में सीट्स का जो लुक है वो इंटीरियर को काफी ज्यादा प्रीमियमनेस दे रहा है, बट स्पेशली दिस VIP सीट इन द सेकंड रो, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस इन दिस कार फॉर ऑल द ओनर्स दैट आर प्लानिंग टू ओन दिस कार फॉर अ लग्जरी व्हीकल। गाड़ी में 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट भी है जिसके साथ 8 Bose स्पीकर्स कनेक्टेड हैं, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट फील ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फाइनली 1x1 क्रेटा एंड Alcazar की डिलीवरी भी मेरे सामने हो गई एंड एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। अब फाइनली वक्त है गाड़ी को ड्राइव पर लेकर जाने का एंड एंजॉय करने का। बीच बीच में मैं आपको ज्यादा और इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा गाड़ी के टेक्सपेक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में भी। पार्किंग सेंसर ये चल रहा है ना ये सामने, तो पार्किंग सेंसर बता रहा है अपने को कि ये है। अरे क्या स्टीयरिंग है, लाइट वेट एकदम। ओह गॉश, MID में टर्निंग, दिस विल कीप सरप्राइजिंग मी आई गेस। स्मूथ पेडल्स, क्लच भी इतना स्मूथ और स्टीयरिंग व्हील भी स्मूथ और सीटिंग हाइट बहुत बढ़िया दी हुई है, तो पोजीशन की अच्छी फील तो आ रही है, विजिबिलिटी भी बढ़िया लग रही है।
इसको थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद में मैं शेयर करूंगा इस गाड़ी के साथ में अपना इनिशियल ड्राइव एक्सपीरियंस। तब तक गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। गाड़ी की जो लेंथ है वो 4500 mm की है, विथ 1790 mm की हाइट जो है 1675 mm की है, एंड व्हील बेस है 2760 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में आपको अनलेडेड मिल जाता है 200 mm का, तो जाहिर है जब पूरे के पूरे ऑक्यूपेंसी होंगी तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो जाएगा। बूट स्पेस गाड़ी में 180 लीटर का मिल जाता है जो कि ऑलमोस्ट सेगमेंट का टॉप है। अगर आपने थर्ड रो को फोल्ड कर दिया तो 579 लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा, और अगर आप सेकंड रो एंड थर्ड रो दोनों एक साथ फोल्ड कर देते हैं, सिर्फ फ्रंट रो में दो लोगों को बिठाते हैं, तो पीछे का पूरा स्पेस 1051 लीटर का बूट स्पेस आपको दे देगा। तो अगर एक कपल या दो फ्रेंड्स लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हैं कैंपिंग करने के लिए, तो इस गाड़ी में बहुत सारा सामान कैरी कर सकेंगे। इसका पेट्रोल इंजन मैक्सिमम 159 पीएस का पावर एंड 191 एनएम का टॉर्क जनरेट कर लेता है। डीजल इंजन मैक्सिमम 115 पीएस का पावर एंड 250 एनएम का टॉर्क जनरेट कर पाता है। तो अगले वीडियो में मैं उसका भी ड्राइव रिव्यू बताऊंगा। टायर जो है गाड़ी में 215 mm के 17 इंच रिम्स के साथ आपको मिल जाते हैं प्रेस्टीज वेरिएंट में, 215 mm के 18 इंच के रिम्स के साथ में मिल जाते हैं सिग्नेचर एंड प्लेटिनम वेरिएंट में। स्पेयर व्हील सभी में आपको 215 mm के टायर के साथ 17 इंच रिम्स मिल जाते हैं, जो स्पेस सेवर मिलता है। इस गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन में आपको मैकफर्सन स्ट्रट मिल जाते हैं कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और रियर सस्पेंशन में आपको कपल टॉर्शन बीम एक्सल मिल जाती है। तो कंफर्ट लेवल डिसेंट है गाड़ी का, क्योंकि एक प्रीमियम गाड़ी है तो इसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही मतलब बेस वेरिएंट से ही बहुत सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी रहा हूं। इसके अलावा हायर वेरिएंट में थोड़े और सेफ्टी फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर जो सिर्फ टॉप एंड में मिलेगा, और बाकी साइड एंड कर्टन एयरबैग, सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, इस तरह के फीचर्स आपको सारे टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाते हैं। गाड़ी में कुछ एसेंशियल फीचर्स भी शामिल है जो आपके कन्वीनियंस एंड कंफर्ट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और आपके लिए एक एंजॉयबल ड्राइव एक्सपीरियंस एंड बहुत बेहतरीन जर्नी इंश्योर करते हैं इस गाड़ी के अंदर। सबकी लिस्ट मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आज इसको हाई स्पीड में मैंने चलाकर देखा, ट्रैफिक में हैंडल करके देखा, थोड़ा सा रैश चला करके देखा, स्पीडिंग में ओवरटेकिंग करके देखा, मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दिया और अच्छा कंफर्ट देखने को मिला। एंड जब मैं इसकी यू टर्न वगैरह एक्सपीरियंस करके देख रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि सिंगल हैंड यू टर्न लेना, इनफैक्ट लेफ्ट हैंड से यू टर्न लेना भी इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा ईजी है। भले ही गाड़ी लंबी है पर इसके टर्निंग रेडियस भी काफ़ी इफेक्टिवली हेल्पफुल है और काफ़ी इजीली इसको कोई भी इंसान हैंडल कर सकेगा। अब मैं अपना इनिशियल ड्राइव एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डिटेल में, सो पे अटेंशन टू दिस। सो गाड़ी को चलाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 लीटर पेट्रोल इंजन देकर के Hyundai ने अब तक का सबसे बेहतरीन काम किया, क्योंकि 2 लीटर जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन होते हैं ज़्यादा रिलायबल होते हैं कम्पेयर टू द स्मॉलर सीसी टर्बो इंजन। सो एक ही शिकायत जो मेरी रहती थी टर्बो पेट्रोल इंजन से पहले, 1.4 रहते थे वो या 1.0 रहते थे। सो दिस इज़ वे वे बेटर, मोर रिलायबल। अगर आप महंगी प्रीमियम गाड़ी लेने जा रहे हो, आपके पास एक रिलायबल इंजन है, यू कैन थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म ओनरशिप। इस गाड़ी को 5 साल 10 साल आराम से चला सकते हो, उससे ज़्यादा भी चला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू मेंटेन। प्रीमियमनेस की कोई कमी तो है नहीं। कंफर्ट लेवल की बात करो तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स हैं जो मैंने पहले एडजस्ट कर दी थी, एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल हियर। थाई सपोर्ट बढ़िया है, बैक सपोर्ट बढ़िया है, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन द सीट्स। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स। समर में हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान जो चीज़ करती है लॉन्ग ड्राइव में वो ये है कि गर्मी रहती है, एंड बैक में कुछ ज़्यादा अच्छा हम लोग को कूलनेस मिलती नहीं है, बट द वेंटिलेटेड सीट्स आर वेरी हेल्पफुल। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, आज सनी डे है, इट्स हॉट आउटसाइड, तो काफ़ी अच्छा हेल्प मिल रहा है। ड्राइविंग के लिए 2 मज़ेदार फीचर्स जो इस गाड़ी में मिले, जो मैंने आज तक कभी इस सेगमेंट में, इसके आसपास के बहुत सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं देखे थे, वो एक फीचर है कि MID जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेन चेंजिंग के वक्त आप लेफ्ट टर्न इंडिकेटर दीजिए या आप राइट टर्न इंडिकेटर दीजिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन में पूरा डिजिटल जो MID है उसमें स्क्रीन में आपको दिखा देता है। एक स्क्रीन, छोटा सा एक स्क्रीन आ जाता है जो आपको बाहर के कैमरे से व्यू देता है पीछे का। सो अगर आप ORVM पर देखना नहीं चाह रहे, आपका पूरा फोकस सामने है, आप थोड़ा सा फोकस MID पर लगाकर भी देख पाएंगे कि टर्निंग करते वक्त आप कितना सेफली टर्न कर पा रहे हो या फिर लेन चेंज कर पा रहे हो। दिस इज एन अमेजिंग फीचर एंड वेरी यूजफुल। मॉडर्न डे में जितने भी नए ड्राइवर्स होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है, और ऐसे फीचर्स की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाती है। आई थिंक आई विल रिकमेंड दिस व्हीकल टू एनीबॉडी हु वांट्स अ व्हीकल फॉर फैमिली यूजेज। डिसेंट ड्राइव आप करना चाहते हो, हाईवे एंड सिटी यूजेज आप करना चाहते हो, मजे करना चाहते हो ड्राइव में, आपको बहुत सारे फीचर्स अगर गाड़ी में चाहिए और आप सेफ ड्राइविंग भी करना पसंद करते हो, तो आप इस गाड़ी पर रिलाय कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड दिस व्हीकल टू मोस्ट ऑफ द फैमिली बायर्स। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आई वुड से डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे बात कर सकते हो, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक सूटेबल गाड़ी में सजेस्ट कर दूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सस्पेंशन गाड़ी के कैसे हैं। सस्पेंशन आर ऑन द सॉफ्ट साइड, सो जब तक के बहुत बड़े पॉटल्स नहीं आए, छोटे मोटे बैड रोड्स या रफ रोड्स आपको कोई परेशान नहीं होने देते। हल्का हल्का बंपी रोड होता है तो भी परेशानी नहीं होती है, कंफर्ट बना रहता है गाड़ी में।
सो फैमिली विल फील गुड इन दिस व्हीकल एंड दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. एक बार आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बैक सीट पर जाकर के वहां का भी कंफर्ट दिखाता हूं. आई एम 6 फीट टॉल सो आई विल शो यू कि कितना कंफर्ट है यहां पर रियर में भी अडल्ट पैसेंजर के लिए. तो नाउ लेट्स गो टू द बैक सीट. सो नाउ आई एम एट द बैक सीट. 6 फीट टॉल हूं मैं. हेडरूम तो इनर्मस है सो नो डाउट इन दैट पोर्शन. और लेग रूम भी देखो इतना कंफर्टेबली मैं बैठा हूं. पैर फोल्ड करके भी बैठ सकता हूं. सो आई कैन टोटली इमेजिन जब लॉन्ग जर्नी में हमें जाना पड़ेगा ना यहाँ पर बहुत टाइम तक हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. तो अडल्ट्स के लिए ये सीट प्योरली फोकस्ड है. दिस इज अ 6 सीटर वेरिएंट ऑफ दिस अल्काज़ार. तो इसमें क्या होता है आपको वीआईपी सीट्स मिलती हैं. सो इंडिविजुअल सीट्स ऑन बोथ साइड रादर देन अ बेंच सीट. अगर आप लोअर वेरिएंट लेते तो यहाँ पर आपको सिंगल बेंच सीट मिलती है 3 सीटर के हिसाब से. पीछे 2 सीट्स मिलती है 7 सीटर वो होती. बट दिस इज अ सिग्नेचर वेरिएंट टॉप एंड है ये. तो यहाँ पर इस तरह से सीट्स हैं और यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल ये स्टोरेज भी मिलता है आर्मरेस्ट के साथ में जैसे आपको फ्रंट कैबिन में मिलता था. उसके अलावा यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर अलग से दिया हुआ है नीचे में विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट कि पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी एक वायरलेस चार्जर है. आई रिमेम्बर जब मर्सिडीज ई क्लास BS6 लॉन्च होने वाली थी उसमें ये फीचर आने वाला था. तो इस तरह से कंपनी ने Hyundai कंपनी ने अपनी अल्काज़ार में इतने प्रीमियमनेस भर दिया कि कहीं ना कहीं वो जर्मन की सुपर लग्जरी कार से भी फीचर्स मैच करने लगी है. एंड स्टिल दे आर रेयर इन सेगमेंट. आप नहीं बोल सकते कि 20-25 लाख की सेगमेंट वाली गाड़ियों में आपको इस तरह के फीचर्स भी कॉमनली देखने को मिलेंगे. अगर आपको आगे चल के देखने मिलते हैं तो इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं Hyundai से हुई थी. इसके अलावा कप होल्डर्स भी यहाँ पर हैं तो टू पीपल कैन एंजॉय हैविंग अ ड्रिंक टुगेदर. पोर्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं तो इंडिविजुअल रियर एसी वेंट्स यहाँ पर हैं. सो कंफर्ट इज देयर. यहाँ पर अपने पास में एक टेबल टॉप भी दिया हुआ है. सो इफ यू वांट टू एंजॉय हैविंग योर मील और इफ यू वांट टू प्लेस समथिंग टू वर्क यहाँ पर आप रख सकते हो. नीचे आपके पास पाउचेस भी हैं और यहाँ पर रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स भी है. इफ यू प्रेस दिस देयर इज अ कप होल्डर तो आप अपना मील एंजॉय कर सकते हो व्हाइल ऑन द गो प्रोवाइडेड आप रफ रोड से ना चल रहे हो. एंड माय फेवरेट फीचर इज हियर सनशेड जो अलग से लगाना पड़ता था यूजुअली किसी गाड़ी में बट ये वाला बिल्ट इन है रोलेबल है तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा प्राइवेसी फील कराएगा. जैसे मैं अभी लगाया ही है तो मुझे थोड़ा सा डार्कनेस फील हो गई. सो इफ आई वांट टू एंजॉय ऑन अ सनी डे आई डोंट वांट द हैवी सनलाइट टू डिस्टर्ब मी. ये चीज बहुत अच्छी है. और अगर वेदर अच्छा है तो उसको नीचे करेंगे और हम ओपन करेंगे सनरूफ तो हमें एंजॉय करने के लिए मिलेगा ऊपर का अच्छा व्यू भी अच्छा एयर फ्लो भी हमको मिलेगा एंड ब्रीजी वेदर का असली मजा इससे आएगा. काफी स्मूथली वो सनरूफ पीछे जा रहा है. पैनोरमिक सनरूफ है वाइड है बड़ा है तो काफी अच्छा आपको फील मिलता है उसमें. तो पूरा पैसा वसूल है गाड़ी में. अगर आप 25 लाख रुपीस या 24 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो Hyundai अल्काज़ार में टॉप एंड वेरिएंट में तो 99% चांसेस है आपको कोई शिकायत नहीं होगी. अब जब मेरे फादर्स की ड्राइव क्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं हम देखते हैं इसका बोल्ड म्यूजिक सिस्टम कैसा प्ले होता है. 8 स्पीकर्स है इसमें जिसमें एक सेंट्रल स्पीकर भी शामिल है और एक सबवूफर भी शामिल है. काफी बेहतरीन म्यूजिक क्वालिटी रही. वैसे इससे बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जब आप रियल टाइम में इसको शोरूम में जाकर के सुनेंगे. ये गाड़ी का 360 पार्किंग कैमरा सिस्टम है जो आपको बर्ड आई व्यू तो दे ही रहा है गाड़ी का ऊपर से बट सामने का व्यू भी मिलता है. इसमें आपको क्या है कि सामने अगर कोई गाड़ी से आपका क्लैश हो रहा है पार्किंग सीन में या फिर बहुत ज्यादा टाइट कंजेस्टेड ट्रैफिक में तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है. आगे हम लोग और भी गाड़ियों का रिव्यू करेंगे. इस गाड़ी के ज्यादा से ज्यादा फीचर्स एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. आज की वीडियो में ज्यादातर फोकस था हमारा कि यूनिक फीचर्स क्या है लुक एंड फील गाड़ी का कैसा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाड़ी ड्राइव करने में कितनी ज्यादा अच्छी है और सिटिंग कम्फर्ट कैसा है. सो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड.
ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको आज का मेरा डिटेल इन्फॉर्मेटिव रिव्यू वीडियो पसंद आया हो। अगले वीडियो में दोबारा मेरी मुलाकात आपसे होगी, तब तक कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।